दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों फेरोज शाह स्टेडियम में मुकाबला चल रहा है दिल्ली के, जिसके चलते डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने आए पृथ्वी शॉ के साथ। पहला ओवर फेंकने के लिए आए मोहम्मद शमी और यहां से ही कारनामा हो गया पहले ही गेंद से। दोस्तों जैसे ही डेविड वार्नर के सामने मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए तो मोहम्मद शमी ने कुछ इस तरीके से पहली गेंद फेंकी। दोस्तों काफी तेज तरार गेंद थी, आउट स्विंगर गेंद थी। डेविड वार्नर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और काफी बाहर से निकल गई गेंद, लेकिन बल्ले का एज लगने की आवाज आई और पीछे वृद्धिमान साहा ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते सभी लोगों ने अंपायर को अपील करना शुरू किया। लेकिन डेविड वार्नर दूसरी तरफ से हंसने लगे, क्योंकि खुद डेविड वार्नर को ही पता नहीं था कि बल्ले का एज लगा है या नहीं लगा है। उनको देखकर पूरी गुजरात टाइटंस की टीम एक दूसरे से पूछने लगी कि बल्ले का एज लगा है या नहीं लगा है। यहां तक कि वृद्धिमान साहा भी परेशान हो गए, वो खुद कंफ्यूज हो गए। दोस्तों हार ना में डीआरएस का टाइम ही निकल गया और हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि बल्ले के हल्के से एज की आवाज आई थी लेकिन वो मोहम्मद शमी को नहीं आई, दूसरे खिलाड़ियों को आई थी, इसीलिए इतना मैदान पर झमेला हो गया। लेकिन दोस्तों आप मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को 10 पर कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।